केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के हाथों एलआईसी से ऑटोमोटिव चौक के बीच डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। इस समय गडकरी ने कहा कि नागपुर में ढांचागत सुविधाओं में बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहे हैं। एलआईसी से ऑटोमोटिव चौक के बीच का डबल डेकर फ्लाईओवर भी इसमें जुड़ गया है। यह उड़ान पुल नागपुर वासियों के लिए वरदान साबित होगा, जो सुविधा पूरे एशिया में नहीं व नागपुर में विकसित हो रही है। आज शहर का तीसरा फ्लाईओवर साकार हुआ है, जो एलआईसी चौक से ऑटोमोटिव चौक को कनेक्ट करने वाला है। इससे अब एयरपोर्ट से कामटी तक 20 मिनट में पहुंचना संभव होगा। यह विचार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने व्यक्त किए हैं। वे शनिवार को एलआईसी चौक पर महामेट्रो की ओर से आयोजित एलआईसी चौक से ऑटोमोटिव चौक फ्लाईओवर लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर विधायक कृष्णा खोपड़े, विकास कुंभारी, मोहन बते, पूर्व मंत्री सुलेखा कुंभारी, जिलाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर, महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, भाजपा के शहराध्यक्ष जितेंद्र कुकड़े, पूर्व विधायक सुधाकर देशमुख आदि उपस्थित थे। इस फ्लाईओवर की मुख्य विशेषता ये है कि सबसे लंबा 4 मंजिला डबल डेकर फ्लाईओवर सिंगल कॉलम घाट पर खड़ा है। प्रोजेक्ट की लागत 573 करोड़ है। फ्लाईओवर पर 5 मेट्रो स्टेशन, गड्डी गोदाम चौक, कड़बी चौक, इंदौरा चौक, बारी चौक, ऑटोमोटिव चौक बनाए गए हैं। गड्डी गोदाम स्थित गुरुद्वारे के पास 1650 वजन क्षमता का स्टील ब्रिज बनाया गया है। गड्डी गोदाम में नीचे सड़क, ऊपर रेलवे ट्रैक, इसके ऊपर पुल और उसके ऊपर मेट्रो है। इस फ्लाईओवर के कारण काउंटी मार्ग पर लगने वाले भीषण जाम से नागरिकों को राहत मिलेगी। जो हिंदुस्तान में नहीं है, आशिया में नहीं है, वो हमारे नागपुर में हो रहा है, इसकी सबसे ज्यादा खुशी है। मैं हमारी जनता को विशेष रूप से बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा कि नागपुर एक भाग्यशाली है कि ये रिकॉर्ड बनाने का हमको मौका मिला। वर्धा रोड पर एयरपोर्ट से लेकर अजनी चौक तक नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो, फिर पार्टी में कृष्णा भाऊ के आग्रह के कारण 1200 करोड़ का बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ है। और उसी ब्रिज में वहाँ भी हमने जो नेशनल हाईवे से जो रोड पार्टी के ओर से भंडारा रोड जिसको कहते हैं, उस रोड पर नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो ऐसा बनाया है। ये दो बनने के बाद ये तीसरी की विशेषता उन दोनों से भी अलग है। जो गड्डी गोदाम है, जहाँ गुरुद्वारा है, वहाँ नीचे में रोड है, उसके बाद में दिल्ली मद्रास और कलकत्ता मुंबई की जो रेलवे लाइन है वो वहाँ से क्रॉस हो रही है, तो बाद में रेलवे है, फिर रेलवे के ऊपर फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर के ऊपर में मेट्रो है। यानी 4 लेन का है, आशिया का पहला 4 लेन। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट। शादी नवंबर में है तो ज्वेलरी अभी से बुक कर लो। अभी से? हाँ, करण कोठारी ज्वेलर्स में 50% कीमत देकर ज्वेलरी बुक करो और डिलीवरी के टाइम पर जो भी रेट कम होगा उस रेट पर खरीद लो। साथ ही 1 लाख की खरीद पर पाएं 1 गोल्ड कॉइन फ्री। ऑफर वैलिड टिल 31 अक्टूबर। करण कोठारी ज्वेलर्स, नागपुर एंड चंद्रपुर। 3 सप्लाई।